friends, Tipika ma'am here and welcomes you into the third session of the chapter Human Health and Disease NCERT class 12th. Students, हमने last lecture में human organs और उनका classification पढ़ा था और आज का हमारा topic है AIDS, HIV, yes, very threatening disease. Well, we start with the full form, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired मतलब लेना, immunodeficient मतलब immune की deficiency होना, syndrome मतलब group of symptoms. So, इसके full form से ही हमें इस disease के बारे में थोड़ा अंदाजा हो जाता है. Causative agent जो है इसका वो है HIV virus, which again stands for the human immunodeficiency virus, and this belongs to a family of retrovirus. ये आपको NEET के लिए याद रखना है students. मैंने आपको previous videos में भी बताया था, NCERT के साथ मैं NEET का content या coverage भी लूंगी. So this was the very first question as per the NEET. HIV virus का हम लोग structure के साथ start करते हैं सबसे पहले. As आप देख सकते हैं बाकी cells की तरह इसके पास भी लिपिड की बायलेयर होती है एज एन शील्ड. उस शील्ड में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, एम्बेडेड प्रोटीन्स. वो एम्बेडेड जो प्रोटीन्स है दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड विच इज अ टू टाइप्स, जो पूरे अंदर एम्बेडेड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. नीट का सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो पूरा एम्बेडेड हो बायोलिपिड लेयर में, दैट इज द GP41. नीट का सेकेंड क्वेश्चन एज आई सेड यू. एंड आउटर जो आपको दिख रहा है कवरिंग की तरह वो है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120. फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू, फर्स्ट केस वॉज सीन इन द 1981, दैट इज द NYC US, जो कि गे कपल्स के बीच में हुआ था. इंडिया की बात करें तो 1986 चेन्नई तमिलनाडु में फर्स्ट केस आया था. तब से स्टूडेंट्स ये डिजीज जो है वो वाइडली स्प्रेड होता ही जा रहा है. करंट डेटास की बात करें तो 75 मिलियन पीपल अभी तक इफेक्ट हो चुके हैं एंड उसमें से 35 मिलियन पीपल्स आर डाइड. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज वेरी थ्रेटनिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द HIV AIDS और लास्ट स्टेज विच इज द AIDS. फर्स्टली आई स्टार्ट विद इट्स स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग में जाने से पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहती हूँ, द मेन रीजन इज द एक्सचेंज ऑफ सर्टन फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच कैन बी ब्लड, विच कैन बी सीमेन, वजाइनल फ्लूइड, रेक्टियल फ्लूइड एंड समटाइम्स मिल्क ऑल्सो. सो फर्स्ट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज. जिन पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत होती है, एक्सीडेंट विक्टिम्स या फिर कोई डिजीज विक्टिम्स, तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन. सेकेंड इज द अनप्रोटेक्टिव सेक्स, जैसे कि एनल सेक्स, ओरल सेक्स. ओरल सेक्स में भी स्टूडेंट्स से देखने को मिला है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द मेथड्स इज द अनप्रोटेक्टिव सेक्स, दैट इज थ्रू द वजाइनल सेक्स. नेक्स्ट मेथड, थर्ड वे ऑफ स्प्रेडिंग इज द यूसेज ऑफ सिरिंज और द निडल्स. जो ड्रग्स एडिक्टेड पीपल होते हैं स्पेशली द टीनेजर्स, उनके में ये जो HIV पॉजिटिव का रेशियो है एज एज इफ आई से 16 to 25, वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है. तो सिरिंज आपने जनरली हॉस्पिटल्स में या कहीं पे ऑब्जर्व किया होगा, उनको डिस्पोज कर दिया जाता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट. एंड टैटूज, सो वी हैव टू टेक केयर ऑल द टाइम व्हेन वी गो टू द क्लिनिक फॉर एनी इंजेक्शन सिरिंज और मेकिंग द टैटूज. फोर्थ वे, फ्रॉम मदर टू अ बेबी, मिल्क से भी हो सकता है बट एज आई टोल्ड यू इसके नंबर्स कम होते हैं. रिसेंटली हमने बेबी को मदर से होने से हुए हमने ड्रग्स या फिर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हमने ढूंढ लिया है. सो दिस वर द फोर वेज. नेक्स्ट वी गो, व्हाट हैपेंस व्हेन HIV एंटर्स इनटू आवर बॉडी. जैसे ही HIV हमारे बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले ये हमारे मैक्रोफेज को अटैक करता है जो कि WBC सेल्स है. वहां पे जाके सिंगल स्टैंडर्ड RNA में जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA में एज द मैक्रोफेज हैव. एंड फॉर दैट दे हैव द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द NEET. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? जनरली स्टूडेंट्स यू नो DNA में से RNA बनता है बट ये RNA में से DNA बनाता है. सो दे हैव द टू सिंगल स्टैंडर्ड RNAs विद द टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऑन देम. मैक्रोफेज में एंटर होने के बाद जो उसको नहीं पता चलता वो मिस्टेकली उसके बहुत सारे प्रोजेनीज बना देता है. जब वो डबल स्टैंडर्ड RNAs बन जाते हैं, ब्रेक होते हैं और वो जाके अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल्स को. टी हेल्पर सेल्स का एक स्पेशल टाइप सेल्स है, दैट इज द CD4 सेल्स. नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर अटैक्ड बाय HIV वायरस टू कॉज द डिजीज, दैट इज द CD4 सेल्स.
a type of T helper cells, lymphocytes. जब भी CD4 के 200 से numbers कम हो जाते हैं, that is the last stage for the patient or the victim. CD4 cells को, जो कि हमारे body में normal immune system को provide करता है, like making T cells as well as the B cells. जब आपके दोनों cells नहीं रहेंगे, तो आपको उसके वजह से और भी disease हो सकती है. Yes, students, HIV खुद नहीं मारता, HIV हमें बाकी disease से मारता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे body के immune system को weak कर देता है. स्प्रेडिंग हो गई, बॉडी में फैल गया, साइकिल हो गई. नाउ हाउ, व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ वी विल नो द डिजीज, द वायरस हैज एंटर्ड इनटू आवर बॉडी? वेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फेजेस. पहला फेज जो है वो है असिम्प्टोमेटिक फेज, जिसमें हमें सिम्टम्स नहीं आते. जनरली 2 से 3 वीक्स में फीवर आना, स्किन में रैशेज होना, लिफ नोड्स का लिटिल बिट स्वेलिंग होना, फ्लू होना, इन्फ्लुएंजा फ्लू होना, ये इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, जो कुछ टाइम बाद चले जाते हैं. सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज द ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी डिजीज देखने को मिल सकती है. मेन है लिफ नोड्स का इन्फ्लेमेशन इन द एरिया ऑफ योर नेक, आर्मपिट्स एंड द ग्रोइन रीजन्स. वहां पे लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. एंड रिमेंबर द सेकेंड सेशन, वहां पे मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है. Now we go to the last phase, that is the full blown AIDS. अभी तक patient को second phase तक HIV positive बोला जाता है, लेकिन जब वो third phase में आता है, now the patient is called the AIDS, which represents the last phase as well. उसके बाद 1 या 2 साल ही patient जिंदा रह सकता है. इस time पे patient को बहुत सारे disease होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं opportunistic infections, like the pneumonia and the TB. These are the 2 main common रीजन फॉर द पेशेंट्स डेथ विच हैड बीन ऑब्जर्व्ड. इसके साथ डायरिया, वेट लॉस, ये सारे भी सिम्टम्स होते हैं. सी स्टूडेंट्स, पेशेंट HIV पॉजिटिव से एड्स तक या उसकी डेथ तक कितना प्रोलॉन्ग रह सकता है, वो डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम पे. वो हो सकता है 2 साल भी, एंड एट अ मैक्स 10 ईयर्स हैड बीन ऑब्जर्व टिल डेट. सो दिस वॉज द सिम्टम्स. नाउ वी गो टू द ट्रीटमेंट. We all know there is no treatment for the AIDS, yes, but the patients are given a special type of medicines, that is the ART, antiretroviral therapies, which include certain medicines to control this virus. Students, if you remember, I told you ki hum log kyun iske against mein drugs nahi dhoond paaye, kyunki jo GP120 hai, jo head region hai, jahan se wo virus किसी पे भी होस्ट पे जाकर अटैच्ड करता है, तो वो GP20 एंटीबॉडी अगर उससे अटैच्ड होती है, तो वो GP20 हर बार ही HIV वायरस चेंज करता रहता है. तो जिसके वजह से मान लीजिए हमने 1 पेशेंट पे उसको ढूंढा, अब जब 2 पेशेंट पे वो एंटीबॉडीज डालेंगे, तो वो अपना सीक्वेंस चेंज कर चुका होगा, वो GP20 बदल गया होगा. इसलिए आज तक हम लोग इसके लिए कोई भी ड्रग्स नहीं ढूंढ पाए, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर पार्ट, दैट इज अ GP120. लास्ट वी गो, हाउ टू वी नो द डायग्नोसिस, हाउ वी टेस्ट दिस HIV पॉजिटिव. जनरली 2 मेथड्स आर देयर. वन इज द एलाइजा मेथड, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड सेकेंड वन इज द वेस्टर्न ब्लॉक मेथड. इन 2 मेथड से हम लोग HIV पॉजिटिव हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, HIV पॉजिटिव या एड्स किस करने से? हक करने से, साथ में खाना खाने से, टॉयलेट शेयर करने से, वॉशरूम शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से, प्लेट शेयर करने से, स्पून शेयर करने से नहीं फैलता. ये एक ऐसे डिजीज है जहां पे पर्संस को माइट भी ना पता हो कि डिजीज उनको हो चुकी है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, देयर इज ओनली 1 वे ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज. आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 वेज. तो मिस्टेकली भी उसके बॉडी में वायरस एंटर हो सकता है. So treat them equally as we treat for the other patients like cancer or other deadliest diseases. It's very important to get aware and make other people get aware. ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, contagious नहीं है, but one of the very important disease where the people need love and the care. And for the people also, if you are being detected HIV positive, please don't hide it. Don't be ashamed of yourself. Go publicly, tell everything to your people, your surroundings. क्योंकि आप अपने आप को भी बचा रहे हो, वहीं पे आप नॉलेज भी स्प्रेड कर रहे हो. पूरे वर्ल्ड में जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, दैट इज द NACO एंड WHO. ये दोनों ने, और कुछ कुछ NGOs भी इसके लिए वर्क करते हैं, विच टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ AIDS पेशेंट इन द एंटायर वर्ल्ड. 1st December is celebrated as the world's AIDS days in the entire world.
Hopefully, students, you understand the importance of AIDS and HIV positive people. Thank you so much.